कौटिल्य बलरामपुर की डेली करंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद के तहत न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एस वेंकट नारायण भट्टी को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो पहले का विकल्प ए सही है, अनुच्छेद 124 में ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है। हाल ही में मनाया गया केर पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, ओडिशा में, केरल में या त्रिपुरा में? दूसरे का विकल्प डी सही है, त्रिपुरा में। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने एनटीपीसी के साथ 50-50 की साझेदारी में दो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तीसरे का विकल्प उत्तर प्रदेश सही है। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया? यूनिसेफ ने, यूएनएनडीपी ने, यूएनईपी ने या यूएनपीएफ ने? चौथे का विकल्प बी सही है, यूएनडीपी ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या महाराष्ट्र? पाँचवें का विकल्प तमिलनाडु सही है। अगला प्रश्न, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा समाधानों की व्यापक श्रृंखला की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक या डीसीबी बैंक? तो छठे का विकल्प डीसीबी बैंक सही है। अगला प्रश्न, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई? पेरू, कोलंबिया, बोगोटा या वेनेजुएला? सातवें का विकल्प बी सही है, कोलंबिया। अगला प्रश्न, हाल ही में ओडिशा राज्य कैबिनेट ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने की मंजूरी दी है? उड़िया को, कुई भाषा को, बोडो या डोगरी को? आठवें का विकल्प भी सही है, कुई भाषा को मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न, लुइस सुआरेज जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से, टेनिस से, फुटबॉल से या हॉकी से? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। दसवां और आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? IIT रुड़की ने, IIT गुवाहाटी ने, IIT कानपुर, IIT दिल्ली ने? दसवें का विकल्प बी सही है, IIT गुवाहाटी ने। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।